आज का हमारा टॉपिक होगा फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन को प्री नेटल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्री नेटल सर्कुलेशन, क्योंकि डिलीवरी से पहले फीटस लाइफ में जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रीनेटल सर्कुलेशन की बात करूं तो प्रीनेटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, एक बार पहले उसको डील करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे ब्लड जो है जाता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। देखिए, पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फीटस सर्कुलेशन एंड अडल्ट सर्कुलेशन। अडल्ट में और फीटल में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। देखिए, पॉइंट नंबर वन क्या है फीटल सर्कुलेशन के लिए। फीटल सर्कुलेशन में फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू लीवर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किसके पास आता है? लीवर के पास आता है। अडल्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हार्ट के पास आता है। कहां पे आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करूं तो ब्लड ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज फ्रॉम प्लेसेंटा। कहां से एक्सचेंज होता है? प्लेसेंटा से एक्सचेंज होता है। किसका? ऑक्सीजन और CO2 का। यहां पे ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन लंग्स। ठीक है, लंग्स तो खुद ऑक्सीजन रिसीव करता है, उसके पास खुद की ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, वो खुद ऑक्सीजन सप्लाई रिसीव करता है ऑक्सीजन सप्लाई एंड CO2 एक्सक्रीट। और क्या उसमें से मतलब CO2 निकलेगा, ये था इसके बारे में। और आगे चले, फीटल सर्कुलेशन इज ए मिक्स ब्लड, मिक्स ब्लड होता है इसमें। ठीक है, पूरे सर्कुलेशन में आपको मिक्स ब्लड देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्योर डू नॉट मिक्स द ब्लड। ठीक है, ये था इसके बारे में। ये समझ में आया आपको? देखिए, हम बात कर रहे हैं प्री नेटल सर्कुलेशन और पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। इसको पोस्ट नेटल भी बोलते हैं अडल्ट को। फीटल जो फर्स्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई है फर्स्ट किसमें होगा? लीवर के पास होगा। लेकिन अडल्ट के अंदर क्या होता है? अडल्ट के अंदर ऑक्सीजनेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है, और लंग्स के बाद पहले जो है हार्ट के पास ब्लड आता है। तो इसमें अडल्ट में होता है हार्ट और फीटल में होता है लीवर। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है कहाँ से होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा ही वो चैनल है जहां से ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होगा। किसके अंदर? फीटल सर्कुलेशन, प्रीनेटल सर्कुलेशन के अंदर। प्रीनेटल सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं इसको। और यहां पे अडल्ट सर्कुलेशन या पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। ठीक है, और बात करें मिक्स ब्लड देखने को मिलता है आपको। कैसा ब्लड देखने को? मिक्स ब्लड देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होता है, ऑक्सीजन वाली पाइपों में ऑक्सीजन ही, वेन्स में ऑक्सीजन ही है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाली में कार्बन डाइऑक्साइड है, मिक्स नहीं है ब्लड। लेकिन यहाँ पे आपको मिक्स ब्लड देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आया? और आगे चले, अदर कुछ स्ट्रक्चर्स और देखने को मिलते हैं, अदर स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट बात करें क्या देखने को मिलता है, अगर संट संट्स बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं इनको, अदर संट और कनेक्शन प्रेजेंट, नो शंट एंड कनेक्शन इज प्रेजेंट। कुछ कनेक्शन होते हैं जो फिटल सर्कुलेशन को एडल्ट सर्कुलेशन से अलग बनाता है, वो भी प्रेजेंट नहीं होते एडल्ट के अंदर, वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और फिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे फिटल सर्कुलेशन और फिटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। उसके बाद बात करें कैसे होता है सर्कुलेशन, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होता है प्लेसेंटा से। कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लेसेंटा से, स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेसेंटा। और आपको पता है प्लेसेंटा के पास दो सरफेस होती हैं, फिर यहां से अम्बिलिकल आर्टरी बनती है, ठीक है। ये है इंटरवीनस स्पेस। कौन सा स्पेस है, इंटरवीनस स्पेस, जहां पे मदर जो है मदर ब्लड को लाके इन स्पेस के अंदर डाल देती है, ठीक है। उसके बाद ये है विलाइज, कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई ब्लड कलेक्ट करके और प्लेसेंटा से इन आर्टरीज में डाल देती है, ठीक है। इंटरवीनस स्पेस, इनको बोलते हैं इंटरवीनस स्पेस और इनको बोलते हैं विलाई सिस्टम, विलाई सिस्टम। वैसे टोटल ब्लड जो प्लेसेंटा अपने पास रखती है वो है 500 ml, इतना ही इसका वेट है, 500 ग्राम वेट है, और 500 ml ही जो है प्लेसेंटा ब्लड रखती है। IVS के अंदर रखती है 150 ml, इंट्रावीनस स्पेस विलाई सिस्टम के अंदर रखती है 350 ml। टोटल कितना ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कैरी करती है 500 ml एन एवरेज, इतना इसका वजन है 500 ग्राम। और यूट्राइन आर्टरी से यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, जो इसके प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पे आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसके थ्रू फिटस में चली जाती है। ये जो विलाइज हैं, ये विलाई भी तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्शियरी विलाई। मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लो। प्राइमरी विलाई जो होती है वो 13 डेज पे स्टार्ट होती है बननी, सेकेंडरी विलाई 16 डेज पे स्टार्ट होती है, और टर्शियरी विलाई 21 डे पे स्टार्ट होती है, उन्हीं को स्टेम विलाई बोलते हैं। और 21 पे ही फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, कौन से दिन, 21st day फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट, ठीक है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट। और कितना ml होता है, तो देखो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ कितना ml पर मिनट आता है, तो यह आता है 500 to 600 ml पर मिनट, और वापस फीटस टू प्लेसेंटा तो ये होता है 400 ml पर मिनट, ठीक है। ये था इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। अब प्लेसेंटा पे ब्लड आ चुका है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ये है भाई प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा ने ब्लड कलेक्ट कर लिया प्राइमरी टर्शियरी विलाई के थ्रू, और कहां पे लिया है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर लिया है ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी दो वेन होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, दो आर्टरी प्लस दो वेन अपने पास रखती है, लेकिन एट द फोर मंथ के टाइम क्या होता है, फोर मंथ के टाइम राइट अम्बिलिकल वेन
अब राइट अम्बिलिकल वेन क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, और आफ्टर फोर मंथ वन वेन हो जाती है और टू आर्टरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा होगा, प्लेसेंटा टू फीटस, कहाँ पे, प्लेसेंटा टू फीटस, मदर से फीटस के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अपोजिट होता है नॉर्मल से, और ये फीटस से ब्लड को कहां पास करती है, फीटस से प्लेसेंटा के पास पास करती है, मदर के पास करती है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्योर ब्लड किसके थ्रू आएगा, प्योर ब्लड आएगा अम्बिलिकल वेन के थ्रू, कहां से, प्लेसेंटा से किसके पास जाएगा, फीटस के पास जाएगा, बच्चे के पास जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ, अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड कहां आया, प्लेसेंटा से आया, और फर्स्ट कहां पे पहुंचता है, फर्स्ट लीवर को सप्लाई करता है, कहां पे सप्लाई करता है, फर्स्ट लीवर को सप्लाई करता है, ठीक है, सबसे पहले कहां पे सप्लाई करता है, लीवर को, ठीक है। ज्यादातर थोड़ा बहुत ब्लड लीवर को सप्लाई करेगा, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, कितना होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कितना होगा, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 80% सेचुरेशन होता है, किसका, अम्बिलिकल वेन में जो ब्लड है वो किसके पास जाएगा, फर्स्ट लीवर के पास जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ब्लड है, मोस्ट ऑफ ब्लड जो है पास बायपास हो जाता है, बायपास कर दिया जाता है एक स्पेशल चैनल, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा, संट के द्वारा, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है डक्टस विनोसस। स्पेशली मैंने इसको डार्क कलर से बनाया है ताकि आप इजीली इसे समझ सको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये तीन चीजें हैं इसमें मेनली, उन्हीं को ज्यादा डील करेंगे, वही काम की है। देखिए बात कर रहे थे, डक्टस विनोसस एक बायपास है, किसको बायपास करता है, पहला पॉइंट लीवर को, मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है लीवर को बायपास करके कहां मिल जाता है, सीधा इनफीरियर वेना कैवा में, कहां पे मिल जाता है, इनफीरियर वेना कैवा, जो नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके ऊपर हार्ट के पास डालेगी, उसमें मिक्स हो जाता है ब्लड, और आप सभी को पता है नीचे इनफीरियर वेना कैवा वेन तो कैसा ब्लड रखती है, डीऑक्सीजनेटेड, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये इसके साथ इंटरमिक्स हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि मिक्स ब्लड मिलता है किसके अंदर, फीटल सर्कुलेशन के अंदर, तो यहां से क्या होगा, डक्टस विनोसस के थ्रू ब्लड कहां मिक्स हो जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा में, कहां से मिक्स हो जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा में मिक्स हो जाएगा ब्लड, और फिर किसके पास चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा, ठीक है। हार्ट के पास सुपीरियर वेना कैवा रखिए, सुपीरियर वेना कैवा का भी ब्लड यहीं इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो चुका है यहां पे, चलिए यहां पे मोस्ट ऑफ द ब्लड है एन एवरेज 2/3, 70% के आसपास जो ब्लड है, 70%, देखो ये ऑक्सीजन सेचुरेशन बताया मैंने, ऑक्सीजन सेचुरेशन, कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है उसकी बात की है, यहां पे मैंने बताया टोटल ब्लड का 70% ब्लड कहां से पास करके, इस स्पेशल स्ट्रक्चर चैनल को पास करके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, एन एवरेज 2/3, ठीक है, 2/3 जो पार्ट होगा इसमें आ जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल, सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट है डक्टस विनोसस, सेकेंड है फोरामेन ऑफ ओवेल। पहली बात क्या होता है, ओवेल मतलब होता है होल, है ना, होल, फोरामेन का मतलब है होल, ओवल मतलब ओवल शेप का होता है, ठीक है। एक कनेक्शन है फीटल सर्कुलेशन में नॉर्मली, किस किसके बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करने वाला जो फोरामेन है, जो ओपनिंग है, जो होल है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फोरामेन ऑफ ओवल। यहां से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है करीबन 70%, 2/3 ऑफ द ब्लड पास होके कहां पे आ जाएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर, कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, कुछ 30% के आसपास, 1/3 जो पार्ट है वो कहां पे चला जाता है, यहां से राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड
चला जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया भाई? देखिए एक बार दोबारा समझो, हम बात कर रहे हैं फीटल सर्कुलेशन की, और सर्कुलेशन बात करें कि मदर से जो जाता है ब्लड उसका पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल जो वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड एक होती है वो ब्लड को कैरी करके कहाँ पे पहुंचा देती है, फर्स्ट लीवर के पास, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लड बायपास कर देती है थ्रू द बायपास चैनल। क्या नाम है? डक्टस विनोसस। क्या नाम है? डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस, ठीक है, डक्टस विनोसस के थ्रू इन्फीरियर वेना कैवा में आ गया और वहां से राइट एट्रियम में ब्लड गया, ऊपर से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आ गया, और मिक्स हो चुका है यहाँ पे ब्लड, डीऑक्सीजनेशन हो चुका है। और उसके बाद राइट एट्रियम से एक स्पेशल चैनल, स्पेशल कनेक्शन के थ्रू जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है पास हो गया, जिस चैनल, जिस रिसेप्टर का, जिस चैनल का नाम है फोरामेन ऑफ ओवेल। क्या नाम है? फोरामेन ऑफ ओवेल। अब यहाँ पे बात कर रहे थे, और कुछ 30% ऑफ ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। ऐसा क्यों हुआ कि ज्यादातर सारा ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला गया, क्यों हुआ ऐसा? बेसिकली देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, यहां से ब्लड कहाँ पे जाता है? यहां से ब्लड जाता है लंग्स के पास, और बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। अब वहां पे तो ब्लड जाएगा तो काम नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ब्लड है वो यहीं से ज्यादा प्रेशर के कारण कहां पे चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम के पास चला जाता है। ठीक है, और कुछ अमाउंट में ब्लड यहाँ है। फिर सर कुछ भी क्यों है जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट, देखो ऑक्सीजनेशन की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है किसके पास? इन लंग्स के पास, इसलिए कुछ अमाउंट में ब्लड आपको देखने को मिले। ठीक है, तो 30% के आसपास जो ब्लड है वो किसके थ्रू? इस राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहां पे आ जाता है? इस कनेक्शन को देखो, राइट वेंट्रिकल को, ये जो कनेक्शन होता है लंग्स से जोड़ने वाली जो कनेक्शन है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल फंडा है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कनेक्ट करती है लंग्स को राइट वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे नेक्स्ट ब्लड आता है। 30% है, काफी अमाउंट है ये भी 30%। देखिए लेकिन ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए तो कुछ अमाउंट चाहिए ब्लड, तो मोस्ट ऑफ द जो ब्लड है फिर यहाँ पे एक बार और बायपास होता है। यहाँ पे भी एक बायपास चैनल लगा हुआ है, डार्क कलर से मैंने दिखाया है। ये जो चैनल है ये पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर देता है डिसेंडिंग एरोटा से। देखो ये कोई एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, ये मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकल बनाया है, फंक्शनल डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एरोटा ऐसे राउंड अप होके आती है आर्क ऑफ एरोटा के थ्रू, डिसेंडिंग एरोटा, एसेंडिंग होगी फिर आर्क ऑफ एरोटा फिर डिसेंडिंग होगी, ये डिसेंडिंग एरोटा में आके मिक्स हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और डिसेंडिंग एरोटा सिंपली बोल दें, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपको एक और कनेक्शन देखने को मिलेगा।